ठीक है, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप के अंदर नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मैं आईटी कंप्यूटर में कर रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे इशू लग रहा है, ये प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ जी, हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का एरेज, सॉरी एरेज नहीं, लूप्स हमारा टॉपिक, ठीक है। और लूप के अंदर होता यह है कि अगर सिर्फ इक्वल लूप है, उससे क्या, अगर आप, मैं आप लोगों से पूछूं लेक्चर, तो आप लोग क्या समझोगे उससे? आप लोगों को क्या लगता है कि इक्वल जो लूप है वो क्या मीनिंग देता है? बता दो जरा, चेक कर लें। सब लोग रिप्लाई करेंगे जिसको जो भी पता है, बिल्कुल कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, बता रहे हैं। अगर चाह रहे हैं कि चैट के अंदर एवरीवन पे ना हो, तो आप प्राइवेट कर दें, कोई मसला नहीं है। जो जो हैंड रेस कर रहा है वो भी आंसर बता दे। जी भाई, मुझे बताएं लोग क्या होता है। अगर हो तो मुझके अलावा अगर क्लास में कोई और भी है तो बता दो। अच्छा, लूप्स जो होती है, लूप्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हम लूप्स के अंदर आइट्रेशन करते हैं, यानी लूप्स बेसिकली आइट्रेशन के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और लूप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को रिपीटेटिवली किसी स्पेसिफाइड टास्क के लिए रन कर सकते हो, ठीक है। यानी होता यह है कि अगर आपने लेट से एक कोड ऐसा करना है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स चले और उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, अब डिफरेंट ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती हैं वो किस तरह से वर्क कर रही होती हैं, वो वर्क किस तरह से कर रही होती हैं कि उनके अंदर लेट से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मिसाल देते हैं कि ये हमारे पास जो क्लासरूम की स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। अब ये स्ट्रीम लाइन कैसे फिल होती रहती है, अगर मैं मिसाल दूँ तो फर्स्ट जिस दिन हमने इसके ऊपर पोस्ट किया था, कोई भी चीज़ हमने पोस्ट की थी, ठीक है, लेट से कोई फर्स्ट लेसन था या पहली क्लास थी हमारी वेब डिजाइनिंग की, आई थिंक फर्स्ट वेब डिजाइनिंग की क्लास से इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मिसाल है फर्स्ट वेब डिजाइनिंग की क्लास थी हमारी और तब से हम इसको यूज कर रहे हैं, तो जाते हैं जरा वहां तक, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास है मिसाल है वेब डिजाइनिंग की, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास जो वेब डिजाइनिंग की है, ठीक है, तो अब उस वक्त की एक थी, ठीक है, तो क्या था हमारे पास ये पेज इतना ज्यादा हाइट में नहीं था। अब ये लूप, यानी ये जो ना जो पोस्ट है वो आती गई यहाँ पर और जो पेज की हाइट है वो बढ़ती गई। अब मिसाल है कि मैं एक मतलब पोस्ट बना दूँ, ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं, ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी मटेरियल है जो ऐड करते रहते हैं, ये सारा लेट से मैं एक मतलब बना दूँ और इसको मैं अपडेट करता रहूँ, कभी कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, कभी कुछ आइटम्स, कभी कुछ मटेरियल पोस्ट कर रहा हूँ, कभी कुछ, ठीक है। तो होगा कैसे, कभी तो कोई टॉपिक आ रहा होगा आप लोगों के पास, कभी कोई टॉपिक आ रहा होगा, लेकिन इससे एक और चीज़ भी होगी, इससे आपके पेज की जो हाइट है ना वो बढ़ती रहेगी, ये जो आइटम्स है ना ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा,
और इसके अलावा एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, लेट्स सी, यहाँ को ओपन करते हैं जरा। आई थिंक जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एरेज और लूप्स की एग्जांपल शायद बताई होगी। मैंने अभी दराज ओपन की थी शायद, मुझे जितना याद हो रहा है। ठीक है, लेट्स से दराज ओपन करते हैं की मिसाल देते हैं। यहाँ पे देखो कुछ डिव्स बनी हुई आ रही हैं। ठीक है, अब डिव्स कैसे बनाते हैं ये मेरे ख्याल से हमारे लेवल की चीज़ नहीं है, हम मतलब इनसे काफ़ी काफ़ी आगे आ गए हैं। ठीक है, डिव्स बहुत कोई बच्चों वाला काम है हमारे लिए। तो डिव्स बनी हुई है यहाँ पे कुछ। ठीक है, डिस्क के अंदर कुछ आइटम्स रखे हुए, पिक्चर है, उसके नीचे टेक्स्ट है और देन प्राइस वगैरह कोई है। ठीक है, अब तुम लोगों को बताइए जो माउस का होवर है कैसे चेंज होता है, पॉइंटर, ये इन्होंने होवर के जरिए, एंकर के जरिए इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, और होवर पे इन्होंने शेड वगैरह लगा दिया है, शेडो वगैरह लगा दिया, ये सब कुछ हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिंगर टिप्स पर है हमारी, यानी अब हम एज अ डिजाइनर देखते हैं चीज़ को। तो अब मैं डिप देख रहा हूँ तो मुझे ये डिप में क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये नीडो का पैकेट रखा हुआ है या ये एवरीडे का पैकेट रखा हुआ है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग कैसी हुई है। सही है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर स्टाइल कैसा हुआ है, एक तो ये बात। दूसरी ये बात, अगर ये देखो लेट्स से कल को इन आइटम्स में से कोई एक माइनस हो जाता है तो क्या उसकी डिव यहीं रहेगी या वो भी चली जाएगी। लेट्स से ये जो नीडो है, ये वाला जो ये जो पैकेट है, ये सारे फेल हो गए। ठीक है, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा या अगर मैंने वेबसाइट को उस तरह से डील किया हुआ होगा कि लेट्स से जितने आइटम्स माइनस होते जाएं तो स्टॉक से वो कम होते जाएं, यूजर को यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए जी के 2 इन स्टॉक, 1 इन स्टॉक, लेट्स से 0 इन स्टॉक। ठीक है, या आउट ऑफ स्टॉक। अब आउट ऑफ स्टॉक मैं नहीं चाह रहा कि आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है, मैं ही चाह रहा हूँ जैसे खत्म होना था वैसे गायब हो जाए। ठीक है, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि जी ये मल्टीपल डिव्स हैं। अब अगर तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है या मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बैठ कर एक एक डिव बनाऊंगा, उस पर एक एक स्टाइल अप्लाई कर लूँगा, एक एक डिव पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी अप्रोच ये भी हो सकती है कि मैं लूप के अंदर इन सब सारी डिव्स को जाना रख दूँ। ठीक है, और जब मैं इन सारी डिव्स को लूप के अंदर रख दूँ तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ये डिव्स जो है बहुत सारी बनकर आ जाए, जिनका कलर सेम होगा, जिनका टेक्स्ट का स्टाइल सेम होगा, जिनकी प्राइसेस डिफरेंट होंगी बट प्राइसेस का कलर सेम होगा, जिनकी हाइट और विड्थ सेम होगी। ठीक है, लूप के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रही है बट विद स्लाइट डिफरेंट, यानी विद स्लाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है? जो सिर्फ हेडिंग्स का डिफरेंस है कि हेडिंग्स का टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, जो इसका फॉन्ट फॉन्ट है वो वाला प्राइस का वो डिफरेंट है, बस वो भी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि फॉन्ट ही डिफरेंट है, सिर्फ प्राइसेस डिफरेंट आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई आइटम हमें रखना हो जिसमें बाद में हमें चीज़ें सेम रखनी है बट अभी फिलहाल हमें वो आइटम बहुत सारे बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं उनको लूप्स के अंदर या एरेज के अंदर रखते हैं। ठीक है, आवाज़ डिस्टर्ब है, आवाज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कट कट के आ रही है या फिर आ ही नहीं रही है, या वो जैसे ये लोग कहते हैं पियानो वाला पियानो बज रहा है। बताएं, जल्दी बताएं। कट कट के आ रही है यार आवाज। अच्छा, एक मिनट इसका सोल्यूशन निकालते हैं, एक मिनट रुके। इधर हैंड फ्री चाहिए कारण क्या, लाओ माइक चलेगा इसका, कान चलने चले माइक चलना चाहिए। कान चले ना चले माइक चले ताकि मैं बच्चों को बोल सकूँ, क्योंकि अगर मैं ये देखूँ ना तो सराउंडिंग की बहुत साउंड आ रही है। मैंने भी खोला था, तुमने जो पीछे बोला ना बहुत हल्के से भी बोला था, लेकिन तुमने उसकी भी आवाज़ आई थी। नहीं, ये छोड़ दे, चले ना चले। अच्छा, अभी बताओ आवाज आ रही है।
हाँ जी मैम, आपसे आवाज आ रही है मेरी? बाहर तुम बताओ, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी फोन से? हाँ ठीक आ रही है, चलें अच्छी बात है। अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था कि लूप्स जो होती है वो क्या करती हैं, एक्टेशन को बेसिकली फॉलो करवाती हैं। समझ लो कि लूप्स के अंदर हम एक्टेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और चलो ऐसा करते हैं कि ट्राई कर लेते हैं। ये जो लूप्स के अंदर आइट्रेशन है इसको देख लेते हैं, ठीक है? चलो चल रही होती है, ठीक है? अब लेट्स से कोई एक नंबर है, एक तो लूप चलती कैसे, लूप चलता कैसे है, चलती कैसे, इसका सिंटैक्स एक मतलब देखेंगे अभी। इसके बाद ये देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, लेट्स से कोई नंबर रिपीट कराने, ठीक है? अपनी वेबसाइट के अंदर कोई डिस्प्ले दिखाने, उसके अंदर नंबर को रिपीट कराने, या नंबर एक सीक्वेंस में आगे चलाने, ठीक है? तो उसके लिए भी लोग यूज कर रहे हैं। अब चलो काम करके देखते हैं इसके अंदर। डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही फिलहाल में है हमारा नाम, और आई थिंक ये लेसन नंबर 5 है हमारे जावास्क्रिप्ट का। क्लासरूम पे देख लेते हैं मिलता है। आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? आवाज नॉट कमिंग, आवाज नहीं आ रही मेरी? यार आप अपना सिस्टम देखे, मेरा जो मैंने फोन की वॉइस अभी ऑन की हुई है, और कंप्यूटर पर मैंने जो माइक यूज किया हुआ है वो रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है नहीं। मेरे एक कान में एक अलग एंट्री और एक कान में एक अलग एंट्री है, तो मुझे आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है अपनी, यानी आप लोगों को भी ऐसी ही आवाज़ आ रही होगी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। कोई कट नहीं है आवाज़, हल्की नहीं है आवाज़, नॉर्मल है बिल्कुल। दोबारा ट्राई करना चाहेंगे कर। अच्छा अभी बताएं आवाज आ रही है आपको? सही, अब थोड़ी तो तेज हुई आवाज। जी आ रही आवाज? देखिए देखिए मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, इनको भी हम सबको भी मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ड्रीम वर्किंग के मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, लैपटॉप में इंस्टॉल है, और लैपटॉप का ना ही पूछे तो बेहतर है, अभी यह दे रहा है। अच्छा नंबर क्या है वैसे बात समय करना, देख लेते हैं फोटो। अच्छा ड्रीम वर्क में करें या आप लोग सब लाइव में करें, कोई डिफरेंस नहीं है? काम बिल्कुल सेम है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने किया भी था और आप लोगों ने घर पर ट्राई किया भी होगा तो आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि वर्किंग बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वर्किंग वही है जो पहले थी। लेसन नंबर 5 है जी बिल्कुल। और अच्छा लूप्स भी ना अगर डिस्कस करें तो लूप्स होती हैं 3 टाइप्स की, यानी तीन तीन अलग अलग टाइप्स की लूप्स जो हम लिखे, एक होती है फॉर, एक होती है वाइल, और एक होती है डू वाइल, ठीक है? लूप्स की तो और भी टाइप्स होती है, फॉर ईच लूप होती है। अगर आप स्विफ्ट के अंदर जाएं, स्विफ्ट के अंदर देखें, स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? उसके अंदर फॉर एंड लूप होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि फॉर लूप को ही इन्होंने चेंज करके फॉर एंड लूप कर दिया, ठीक है? वो फॉर एंड लूप ज़्यादा आसान होती है बेसिकली। अच्छा इसके अलावा हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो फॉर वाइल और डू वाइल पढ़ेंगे, ठीक है? जो आइटरेशन हम करेंगे फॉर में, वाइल में और डू वाइल में करेंगे, ठीक है? अच्छा और फॉर वाइल और डू वाइल करेंगे तो स्टार्ट कर लेते हैं, एक फाइल सेव कर लेते हैं अपनी। यार फॉर एंड लूप जो है ना, हाँ मैं बताता हूँ, फॉर एंड लूप जो है ना
अगर तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो फॉरेन लूप नहीं आएगी, तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे मे बी ना आए, ठीक है, स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी में भी जो लूप है वो फॉर लूप ही यूज हो रही है। स्विफ्ट के अंदर क्या हो रहा है कि इन्होंने जो स्विफ्ट के डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि फॉर लूप को चेंज करके फॉर इन लूप को बेसिकली इंट्रोड्यूस करा है, और फॉर लूप का ही एक वर्जन है जो समझ लो बहुत आसान है, इजी टू यूज है और बहुत ज्यादा हैंडी है समझ लो। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं सिंटैक्स को। HTML का काम करेगा। अच्छा ये .html की जगह मैंने .c की फाइल सेव कर दी, तो वो .html की फाइल सेव कर दी है, याद रखिएगा। अभी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, लुक कट है, एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम मैं आई रख लेता हूँ। अच्छा ये जो आई रख रहा हूँ मैं नाम, आप लोग अक्सर नोट करोगे कि लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग कहीं भी देखोगे ना, लूप लिखोगे, फॉर लूप लिखोगे, व्हाइल लूप व्हाइल लिखोगे, कोई भी टाइप लूप के लिखोगे, तो लोग वहाँ पे एक वेरिएबल आई लाजमी यूज कर रहे होते हैं। असल में हम लूप के अंदर आइटेशन कर रहे होते हैं और आई जो होता है वो आइटेशन के अंदर स्टार्टिंग में आता है, तो लोग क्या करते हैं कि आइटेशन को याद रखने के लिए आई के नाम से वेरिएबल रखते हैं। आई बेसिकली स्टैंडर्ड आइटरेटिव वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अगर आपने कहीं देखा लूप के अंदर आई है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ये आइटरेटिव वेरिएबल है, ठीक है, या वो आइटरेटर इटसेल्फ वो आइटरेटर होता है और हम उसे बुलाते हैं आइटरेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इस तरह का सिंटैक्स होता है बेसिकली। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सबसे यानी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले होता है, सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन के बाद क्या हो गई, इनिशियलाइजेशन के बाद हो गई कंडीशन। और देन कंडीशन के बाद आ गया चेंज। ये जो चेंज है, फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब ये जो चेंज है ना, इसकी जगह तो मैं कोड लिखूंगा, इनिशियलाइजेशन की जगह भी कोड लिखूंगा और कंडीशन की जगह भी कोड लिखूंगा। इनिशियलाइजेशन की जगह क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, अच्छा मैंने अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ही बताया था इनिशियलाइजेशन क्या होती है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, जब हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगी आई इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ जो कि वन है। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गई, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आई जो है वो ग्रेटर देन या इवन लेस देन equals to ठीक है आई प्लस प्लस हो गया। अच्छा एक और चीज, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो अगर आई थिंक मैंने डिस्कस किया हो या ना किया हो, मैंने एक बात की होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्लस प्लस का साइन होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, माइनस माइनस का साइन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, आई प्लस प्लस इज इक्वल्स टू। अब एक
एक्सप्रेशन के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल टाइम इक्वल्स टू नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करता हूँ उसको, टेंस टू आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ठीक है, यानी आई प्लस प्लस बराबर होता है किसके, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन के। मिसाल है, लेट्स से अभी लेट्स से आई के अंदर वैल्यू है वन, ठीक है, मैं लिखता हूँ वन प्लस प्लस, ठीक है, और अब वो टेंस टू का है लेट्स से, हो गया। अब आई टेन आई प्लस प्लस किसके बराबर है, आई प्लस आई रिक्वेस्ट टू आई प्लस बन गया, तो मैंने कहा कि अभी आई प्लस प्लस नहीं है, आई के अंदर वैल्यू है वन, अगर लूप में देखो स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, तो आई के अंदर वैल्यू क्या है वन, तो इसका मतलब है वन प्लस प्लस टेंस टू वन इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, ठीक है, यानी वन बराबर है वन प्लस वन के, तो वन प्लस वन क्या होगा टू। अब वन यहाँ पर वन लिखूँ या टू लिखूँ ये एक बात नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू है, ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या करता है, इक्वल टू का साइन ये करता है कि ये वन प्लस वन को इस वन की जगह पे ले आता है, ठीक है, तो अब वन प्लस प्लस बराबर किसके हुआ, वन प्लस वन के, ठीक है, और इसके अंदर अब क्या आ गया टू। अब ये लूप चल रहा है और लूप का मतलब होता है कंटिन्यूअस साइकिल, यानी अभी क्या होगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा, और ये आई की वैल्यू कैसे 10 होगी, यहाँ पे आई के अंदर वन है, ठीक है, और अब क्या होगा कि ये वन इसके बराबर है, वन इक्वल्स टू वन प्लस वन, और वन प्लस वन क्या होगा, वन प्लस वन क्या होगा टू, तो टू इसके यहाँ पर आ जाएगा, अब टू यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, ये आई प्लस प्लस क्या होगा टू के बाद आगे चलेगा, यानी अब क्या होगा टू के अंदर टू इज इक्वल्स टू टू प्लस वन, तो टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री, टू की जगह पे थ्री आ जाएगा, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा थ्री, तो थ्री इज इक्वल्स टू थ्री प्लस वन, देन थ्री की जगह फोर आ जाएगा, फिर क्या होगा फोर इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन, ठीक है, तो फाइव हो गया, अब फाइव की फोर की जगह फाइव है, और फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस वन, ये लूप इसी तरह चलता रहेगा, मुसलसल स्टेटमेंट ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, और ये कहाँ पे जाके रुकेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा पीछे, यानी इसकी जो लॉजिक पीछे चल रही होगी वहाँ पीछे लेके, अगर हम इमेजिनरी पेपर ड्रॉ करें अपने जहन के अंदर, तो उस पेपर के ऊपर क्या होगा नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस वन, वालेकुम असलम, नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस वन, ठीक है, और नाइन प्लस वन टेन हो जाएगा, फिर क्या होगा दोबारा से टेन करेगा ये इलेवन की तरफ जाने के लिए, प्लस प्लस का साइन देखेगा, ठीक है, और जब प्लस प्लस का साइन इसके नजर आएगा तो उसके बाद क्या होगा टेन इज इक्वल टू टेन प्लस वन, वैल्यू आई की क्या हो जाएगी इलेवन, बस जैसे ही वैल्यू आई की इलेवन हो जाएगी ना, तो ये जो लूप है ना ये आई को रोक देगा, ये कहेगा भाई बस, क्यों, क्योंकि आपने मुझसे बात की थी जब आपने कंडीशन डिफाइन की थी, तो आपने कंडीशन ये दी थी कि लूप जब तक चलेगा या जब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल टू टेन रहे, यानी या तो स्मॉल रहे या तो इक्वल रहे, स्मॉलर देन जब तक नहीं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, इक्वल आ गई तभी मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने ग्रेटर देन की मुझसे बात नहीं की थी, ठीक है, तो आप ग्रेटर देन जो वैल्यू है वो नहीं यूज कर सकते, इसका मतलब है कि टेंथ वैल्यू ऊपर जाएगी, इंक्रीज होगी वैल्यू, बट लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर लूप स्टॉप हो जाएगा। शाहजर साहब माशाल्लाह से बड़ी जल्दी आए हो, टाइम देख रहे हैं, इलेवन फोर्टी थ्री हो रहा है। अच्छा यहाँ से भी पूछो, उसका भी नेट नहीं चल रहा था, वो कह रहे देखो क्या वो उसके ऊपर नेट चला उसका। अच्छा हाँ वालेकुम सलाम, यार मैंने पढ़ लिया लिस्ट देखी नहीं है। अच्छा यहाँ तक मसला किसी को, इसको आगे लिखेंगे अभी दोबारा समझेंगे, लेकिन इतना अभी मैंने बात की है उसकी समझ में आई नहीं आई। लूप्स पढ़ रहे हैं,
माइक ऑन कर सकते हैं, अपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले, मसला नहीं है, बता देते हैं, मैं बता देता। अच्छा बताता हूँ, एक मिनट रुकेंगे, क्या यहाँ पे एक सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, ठीक है, और लो सेव कर लेता है, रिजल्ट भी प्रॉब्लम में देख लेता हूँ, लेकिन अभी लिखा हुआ है रिजल्ट सॉल्व डू, अगर उसी काउंट करो तो ये 10 टाइम्स लिखा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, तो 10 टाइम्स लिखा हुआ होगा ये, और यहाँ पे अगर लेते हैं बैक स्पेस एन लगा लेते हैं, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बैक स्पेस एन नहीं, बी आर के टैग यूज करेंगे, अब देखें जरा अब क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस है ये 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, ये 10 टाइम्स प्रिंट क्यों हो रहा है, स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं यहाँ पर, अच्छा अब देखें ये जो लूप है स्टार्ट में आई की वैल्यू थी 1, ठीक है, अब हुआ ये कि आई की वैल्यू जब 1 थी तो कंडीशन ने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है, ठीक है, कंडीशन में हमें पता ये चला, हमें क्या पता चला, फॉर को ये पता चला कि जी आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो कंडीशन में आगे जाने दो आगे, ठीक है, कंडीशन आगे चली आई प्लस प्लस पे गए, अब आई प्लस प्लस क्या कह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2 हो गया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ने फिर से चेक की, यहाँ आई कंडीशन ने चेक की कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है बराबर है, तो आई की वैल्यू 10 से छोटी थी, तो कंडीशन ने कहा कि ठीक है आगे जाने दो, हम आगे फिर से चले, हम पहले आई प्लस प्लस से फिर से पहुंचे, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, इस बात को याद रखो, तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो क्या हो गया आई की वैल्यू 3, सही है, हाँ जी एक मिनट कर रहा हूँ मैं, अलाउ कर रहा हूँ, मैंने अलाउ तो कर दिया है, शाम तुम्हारी ऑडियो खुली हुई है, फुरकान साहब आपकी ऑडियो ओपन हुई है, हमूद तुम्हारी ऑडियो ओपन हुई है, सब लोग आ रहे हैं जल्दी से, आगे कंटिन्यू करते हैं, जी हाँ यार ऐसा हो सकता है, नंबर मैं चाह लेट तुम ये चाह रहे हो ना नंबर्स अलग अलग प्रिंट हो, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, मसला नहीं है कोई, अभी मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा, इस तरह की एग्जांपल तो भी आगे लेके चलेंगे, ठीक
बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है। और दिखा देता हूँ किस तरह से, एक मिनट रुकना। अभी आवाज आ रही है मेरी? रवि अच्छा, तो वही होता ही है कि देखो, दोबारा बता देते हैं। लूप का होता ही है कि आप लेट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अब जो आपने स्टार्ट किया, क्या हो गया? हेलो, हाँ, तो लेट से आपने लूप जो है वो स्टार्ट किया। अब लूप स्टार्ट करने में क्या हुआ कि आपकी लूप चली, या आपका लूप जो है वो 2 तक चला, ठीक है। कंडीशन ने चेक किया कि 10 से छोटा है, 10 के बराबर है। तो जी, 10 से बिल्कुल छोटा है, 10 के बराबर तो नहीं है, सही है। तो एक नंबर उसके अंदर प्लस हो गया, कैसे? आई प्लस प्लस के थ्रू, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3 हो गया। अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 हो गया है। तो 3 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू चल रही हैं अभी तक, ठीक है। यहाँ पर देखो, यानी छोटा है पर बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन अभी ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। एक कंडीशन ट्रू होने पर भी हमें कहते हैं कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, अगर हम रिलेशन चेक करके कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो रिलेशन उसे हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो भी कोड है, उसे आगे एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दे देता है, ठीक है। अब लेट से 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 हो गया। फिर आगे बढ़ा, 3 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 4 4 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, बिल्कुल 10 से छोटा है। अभी बिल्कुल कंडीशन सही चल रही है। ऐसे ही हम गए 9 तक, लिखा हुआ है 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 आइटरेशन के अंदर, यहाँ पर क्योंकि 10 से छोटा था 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो गया। अब 10 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक सही है, 10 हो गया 10। अच्छा, 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, यानी आई अब 10 हो गया, तो आई 10 से छोटा नहीं है, 10 के बराबर है। तो एक कंडीशन ट्रू है, इक्वल टू वाली, बट लेस देन वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अभी भी एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ, प्लस प्लस का कहना है, तो क्या हुआ कि आई यानी 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो 11 हो गया। अब जब 11 हुआ ना, तो क्या हुआ ना, ये कंडीशन ट्रू लगी ना, ये कंडीशन ट्रू रही। जैसे ही दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, दोनों कंडीशन खराब हुई, तो लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ हर मरतबा में। जब आई 1 हुआ था, जब आई 2 हुआ था, तो ये एक मरतबा प्रिंट हुआ था। जब आई 3 हुआ, तो ये एक मरतबा प्रिंट हुआ। फिर जब आई 4 हुआ था, फिर ये एक मरतबा, फिर 5 एक मरतबा, ये सेंटेंस प्रिंट होगा। फिर जब 6 होगा, फिर ये सेंटेंस प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ तक मसला कोई, आगे प्रोसीड करेंगे, बट फिलहाल यहाँ तक प्रॉब्लम। और अभी वो नंबर वाला जो हम यूज कर रहे थे, वो भी करेंगे हम। देखो, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये जो सेंटेंसेस मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहे हैं, ये आई प्लस प्लस के थ्रू ही हो रहा है। अगर ये आई प्लस प्लस ना हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना हो, तो क्या हो, ये नंबर्स के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये नहीं होगा। अभी लिखते हैं, अभी जो आप लोग कह रहे हो ना कि आई के साथ, यानी जिस जिस तरह ये लूप आगे बढ़ता जा रहा है, साथ में नंबर भी हैं, अभी वो करते हैं। देखो, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने कोड में, और वो वाला जो काम है, आपका जो रिक्वायर्ड काम है, वो हो जाएगा।
वी आर से पहले ही एक कोर्स क्लोज करेंगे, एक कोर्स दोबारा से ओपन कर देंगे। देखो दिस इज फॉर लूप और ये दिस इज फॉर लूप कहां तक चल रहा है, ये दिस फॉर लूप एंड तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आई के अंदर वैल्यू 1 थी फिर सेंटेंस प्रिंट हो गया, जैसे आई में ट्रू वैल्यू आई तो ये प्रिंट हो गया, तो मतलब फिर अब वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई है, 2 प्रिंट हुई है, तो ये प्रिंट नहीं हुई क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई है। अब आई के अंदर वैल्यू 3 हुई तो क्या हुआ, 3 प्रिंट हुआ, नॉट 2 बट वैल्यू क्योंकि अपडेट हुई तो 3 प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ, i की वैल्यू जो हुई वो 4 हो गई, तो फिर क्या प्रिंट हुआ, i के अंदर 4 प्रिंट हुआ, देन 5, देन 6, देन 7, 8, 9 एंड देन 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू जाती गई वैसे वैसे वैल्यू क्या हुई, अपडेट होके प्रिंट होती गई। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम थी? किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम? असल में 1 = एंगुलर नंबर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी जो लूप चल रहा है वो आई के थ्रू चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेते हैं ठीक है तो फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ कह रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्केटनेशन की है, मैंने कॉन्केटनेशन की है। कॉन्केटनेशन में क्या होता है कि मैंने लास्ट क्लास अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी किसी स्ट्रिंग, जब ये स्ट्रिंग है ठीक है टेक्स्ट है ना, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, जब भी किसी स्ट्रिंग टेक्स्ट के दरमियान डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर स्ट्रिंग के दरमियान मुझे वेरिएबल का नाम लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्केटनेशन करता हूँ इस तरह से। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा तराज और पीके वाले में सवाल, चले करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है, लेट से मैंने मैंने चार टिप्स बनानी है और चार टिप्स मैंने लूप से बनानी है। ठीक है, और चारों टिप्स को लेट से मैं कलर, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, एक भी सेम कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि चारों को कोई ना कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर इंटरेस्ट लेंगे और मतलब हम थोड़ा सा एंजॉय करके उसको करेंगे तो मुश्किल नहीं आएगा, आसान है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है लूप क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं होते, ऑलरेडी एक नया काम होता है इसलिए प्रॉब्लम आती है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ये चीज़ें आसान होती रहेंगी। सोचा तो ये चीज़ें मुश्किल लग रही है तो आगे सेटिंग आती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो होती है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, ये तो ये वो भी बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन वो कैसी लगेंगी, फिर तो मज़ा आ जाएगा उसके अंदर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर जब डेटा बेस पढ़ेंगे तो क्या होगा, हाँ आती है क्यों नहीं आते यार, काम की चीज करेंगे, जो चीज काम की नहीं होगी वो क्यों करेंगे, इतना टाइम फारिग करें हमारे पास, कुछ सोचो तो। ठीक है, अब लूप हमने बना दिया है, सिंटेक्स में फिलहाल वही रख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे डिप बना देते हैं। अच्छा, अब डिप जो मैं बना रहा हूँ ना वो स्मॉल कोट्स में बना रहा हूँ, स्मॉल कोट्स में बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डबल कोट्स में नहीं बना रहा, मैं सिंगल कोट्स के साथ बना रहा हूँ, देखना।
और सिंगल कोट्स के साथ भी और डबल कोट्स यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी और डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी मैं राइट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो वो राइट साइड पे प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लास अच्छा जी, क्लास बन गई। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि तो फुल स्क्रीन में रख लेता हूँ और सब लाइन को भी मैं फुल स्क्रीन रख लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लियर आ सके। ठीक है, अच्छा देखो मसला ये है, सिंगल मैं इसे यूज करूंगा, डबल इसे यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे भी डबल इनवर्टेड कॉमा यूज कर रहा हूँ। देखो अब एक ही लाइन में मैं सिंगल के अंदर डबल यूज नहीं कर रहा हूँ, यानी सिंगल के अंदर मैं डबल यूज कर रहा हूँ बट मैं डबल में डबल यूज नहीं कर रहा हूँ। या तो सिंगल में डबल यूज करो फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज करो। मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ, ये क्या सीखा मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल इनवर्टेड कॉमास लिख रहा हूँ और मैं आपको सिंगल कॉमास भी लिख रहा हूँ। ये देखो तो भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं आई नाम दे देता हूँ। ठीक है, कोई कोई नाम, कोई भी और ऐसा नाम दे दूँ जो मुझे लगे मैं बाद में चेंज करूँ। ठीक है, वो नाम दे सकता हूँ। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्लास बन जाएगी। जाहिर है मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि मैं लूप के अंदर यानी एचटीएमएल सीएसएस के अंदर क्लास कोई नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसकी ये वाली अप्रोच यहाँ पे गलत होगी बट अगर कहने को दी जा सकती है तो हमें बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर सकते। ठीक है, अच्छा चलो आगे करते हैं। आवाज मेरी आ रही है सही? हमूद और शादी बताओ तो मैं। जी ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे मसला नहीं है कोई। सिर्फ वैल्यू के साथ खेलना है तो मैं आई के वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली असल में आइटरेटिव वेरिएबल होता ही है। ठीक है, तो हम इसलिए आई रखते हैं, पूरा आइटरेटिव वेरिएबल या आइटरेटर नहीं रखते। मैं ये नहीं लिखता कि आइटरेटर है, तो मैं क्या कर देता हूँ आई लिख देता हूँ। और ज्यादातर लोग इसीलिए करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में यही सवाल करता था कि सर, यानी जब मैं भी पढ़ रहा होता था मेरे भी यही क्वेश्चन होते थे कि सर यहाँ पर आई ही क्यों लगता है। लेकिन फिर हल्के हल्के टाइम टू टाइम जब आगे बढ़े और थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ा तो फिर समझ में आया कि जी आई यहाँ पे क्यों रखता है। सही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है सर। शेफ ने मुझे तुम्हें ए पढ़ाया था, मुझे आई पढ़ाया। नंबर नहीं आना चाहिए। देखो देखो देखो, वेरिएबल की जो कन्वेंशन होती है ना, वेरिएबल के अंदर कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कभी भी लेट से तुम डॉट से स्टार्ट ना करो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लो। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आनी चाहिए, यानी तुमने लिखा फर्स्ट नेम, वेरिएबल का नाम तुम्हें रहना है, तो फर्स्ट और नेम के दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस इन चीज़ों का वेरिएबल के नाम रखने में तुम्हें ख्याल रखना। अगर सर जोहेब ने लेट से आराम कर रहे हैं तुम्हें पढ़ाया है ए से, तो तुम बी सी डी और कोई भी नाम रख सकते हो। तुम वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो।
चला आगे बढ़ता। अब मैंने नाम रखा है इस डिप का न्यू, और ये बात याद रखना कि ये डिप जो है वो रिपीट होगी, ठीक है? ऐसा कोई कलर भी ले लेते। अच्छा, एनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल में एनलाइन स्टाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है? विड्थ और विड्थ दे लेते हैं तकरीबन 200 पिक्सल। हाइट 200 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं जी तकरीबन 50 पिक्सल की। मार्जिन टॉप भी ठीक है। अब मैं सिर्फ डिप बना के दिखा रहा हूँ, तुम लोग इसके अंदर मल्टीपल और भी काम कर सकते हो, ठीक है? मैं सिर्फ डिप बना के दिखा देता हूँ और इनको क्या कर सकते हैं, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट। देखो टर्मिनेटर तक खुद आ गया, बस इस डिप को कलर देना रह गया। ओके, बैकग्राउंड कलर और इसको रेड कलर दे देते हैं अभी फिलहाल, सही है? राइट क्लिक करते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले जो कंट्रोल है बस सब लाइन में ये याद रखो कि सेव कर लिया करो बार बार, यानी कंट्रोल है सेव कर लिया करो बार बार, क्योंकि ये क्या करता है रिजल्ट को रेंडर नहीं करता खुद से, आपको रिजल्ट के अंदर थोड़ी बस ये मेहनत करनी होती है कि बार बार कंट्रोल है सेव करना पड़ता है। यार सब लाइन के अंदर ना कलर कोड याद करने होता है। मैं असल में सबलाइन का इतना बड़ा कोई यूजर नहीं हूँ, मैं वीबीएस कोड वगैरह यूज कर रहा होता हूँ, गैस का के जो एडिटर है ना वो यूज कर रहा होता हूँ। अब देखो डिप बनी, दराज दराज की जैसी डिप बनी अभी। जी सर ठीक आ रही है सर। अच्छा देखो सही है, अभी क्या हुआ कि वही काम जो हमने देखा था एक वेबसाइट के ऊपर, एक फैशन वेबसाइट के ऊपर देखा था, अब वो काम हमने क्या किया, वो काम हमने खुद भी ट्राई किया, ठीक है? बस अब जहाँ तक सेम क्लास की बात रहेगी ना वहीं तक इसके अंदर काम करोगे, लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि यार क्लास जो है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है, तो क्या करोगे उस पॉइंट के ऊपर जो लेक्चर उस पॉइंट के ऊपर आपने जो अपना काम है थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना है, ठीक है? यहाँ तक प्रॉब्लम? ये डिप्स एरेस के अंदर भी बनती हैं, एरेस के अंदर जो ये डिप्स बनती हैं वो भी हम बताएंगे जब एरेस पढ़ेंगे, तो एरेस के अंदर जिस तरह से बनती है, जिस तरह से प्रिंट होती हैं वो भी बता दूंगा। एरेस के अंदर आमतौर पर डिप्स नहीं बनती, एरेस के अंदर बेसिकली डाटा इनपुट हो रहा होता है, डिप्स लूप के थ्रू बन रही होती है, ठीक है? लेकिन जो डाटा उसके अंदर जा रहा होता है, जो मैं डाटा की बात कर रहा हूँ वो डाटा का देखने का एक मतलब आएगा वो पॉसिबल, ठीक है? फिलहाल यहाँ तक कोई मुश्किल तो बताओ, लूप के बजाय डिप जैसे हम एचटीएमएल सीएसएस के अंदर पहले बनाते थे वैसे बना सकते हो। लेकिन अभी देखो ना मैंने मेहनत कितनी कम की है, मेरा कोड देखो जरा तुम, ये कोड है टोटल, ये टोटल कोड है। कितनी लाइंस का कोड है ये? 27 लाइंस का कोड है। 27 लाइंस ऑफ कोड के अंदर मैंने ये भी नहीं किया कि मैं कॉमन क्लासेस देकर 10 की 10 डिप्स अलग अलग बना रहा हूँ, मैंने एक ही जगह पर डिप्स बना ली और वो बिल्कुल सेम गैप्स आ रही है, कोई मसला नहीं है। तो हम छोटी छोटी जगहों पे इस तरह से जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों को भी मैंने टास्क किया था, ठीक है, टास्क किया था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जाता हूँ उससे और W3 लेआउट ओपन कर लेता। W3 लेआउट से अगर ओपन करें और लेट से यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट उठा लेते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स की बाहर आई है। व्यू डेमो, अब ये देखो 4 टिप्स हैं, तो मे बी मैंने 4 टिप्स लूप से बनाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक है?
वो तब होगा जब मैं चार लूप्स के अंदर ट्रायल से ही मैच लाऊंगा। तो अगर आपने सब कुछ सेम रखना है ना किसी भी लूप के अंदर रख के, तब तो क्या कर सकते हो आप वो, यानी अगर आपने सब कुछ सेम रखना है, मल्टीपल चीजें आपने वो सारी चीजें सेम रखनी है, तो आप लूप के जरिए अपना जो काम है प्रोसीड कर सकते हो। बिल्कुल, अगर जावास्क्रिप्ट की आपको लूप से वर्क करना है और आप चाह रहे हैं कि डिव्स बनाना है, यानी एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें फिर डॉक्यूमेंट और टाइप यूज करना पड़ेगा। आयान तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारी आवाज आ रही नहीं पूरी। पिक्चर अभी मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, पिक्चर ऐसे नहीं लगा सकता मैं, अगर पिक्चर लगेगी तो सेम पिक्चर लगेगी, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लगेगी। यहाँ से जैसे बैकग्राउंड इमेज नॉर्मल लगती है वैसे यहाँ पे लगा सकते हो, बैकग्राउंड में वैसे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ तक। अच्छा, ये जो लूप्स होती है ना ये आमतौर पर काम की होती नहीं है, ये जो डिस्क की बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक पता चल जाए कि जी ये काम नहीं हो सकता है। ये जो लूप्स होती है आमतौर पर ये लूप्स इस काम के लिए नहीं होते, ये इसके इससे ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लूप्स को बेसिकली काम पर लाती हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लूप्स को बेसिकली कहते हैं ना कि आप जिस काम के लिए आप लूप यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी वॉइस कहाँ चल रही है यार, सॉरी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी सही? मेरी आवाज के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा अभी। न्यूज़ नहीं यार, वो बस बैकग्राउंड में वॉइस चल रही थी, एक ऑडियो प्ले हो गई थी, बस ये पूछ रहा हूँ फिर क्या तुम लोगों को तो उसके बाद नहीं आ रही थी। अच्छा तो बंद करते हैं यार, और आगे आ रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रिप्ट के टाइम में मैंने ही करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि लेट से एक नंबर है, ठीक है, जो कि ना 10 तक के नंबर के अगर एडिज है, यानी फर्ज करो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 10 तक का क्यूब दे लूँ, या तो मुझे 10 तक का स्क्वायर चाहिए, मुझे 10 तक के क्यूब चाहिए, या जैसे 10 का क्यूब होता है लेट से 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, इस तरह की काम लूप से कर सकता हूँ मैं चाह रहा हूँ कि जी स्क्वायर लेना चाह रहा हूँ, स्क्वायर आ सकता है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज के अंदर ऐड हो, वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मैं ये काम करता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू के अंदर एक कोई नंबर सर्टेन ऐड हो, उसका रिजल्ट आए, ठीक है, तुम लोग ये करके दिखाना कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज का क्यूब कैसे निकलता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बताऊंगा लेकिन करके तुम लोगों ने दिखाना है, बहुत छोटा सा काम है, दो 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 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हें और वो दो क्वेश्चन करने, बहुत आसान है, कॉन्कैटिनेशन के थ्रू होगा ये सारा काम, ठीक है, फॉर लूप तो बहुत आसानी से लग जाएगी।
और अभी क्लास के एंड तक हमें फॉर लूप के साथ साथ वाइल और डू वाइल भी देखनी है, 12-13 हो गए, ठीक है, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वाइल और डू वाइल बन जाएंगी। अब देखो जितने वेरिएबल्स मुझे भी यहाँ यूज़ करने हैं ना पूरे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो सब के सब मैं अभी यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे आई चाहिए एक वेरिएबल, ठीक है, और एक और वेरिएबल मुझे कौन सा चाहिए, लेट्स से मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा, यूज़र जो मुझे नंबर प्रोवाइड करेगा वो नंबर मैं क्या करूँगा अपने प्रोग्राम के अंदर हर जगह ऐड कर लूँगा। कैसे, देखो सर से मैं एक नंबर लूँगा नंबर, और अब नंबर में यूज़र का इनपुट ले लूँगा प्रॉम्प्ट, एंटर नंबर, और तुम्हें पता है प्रॉम्प्ट किस तरह से काम कर रहा होता है, और वन से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि जो लूप है ये 10 तक चले, ये कलर जो था वो फॉर लूप का नहीं था, ये तुम्हें साथ में एरर्स के साथ जब काम करते हैं तो इस तरह का ही बन जाता है, मल्टीपल चीज़ें जब होती हैं साथ में ऐसा होता है, ठीक है। एरर्स के साथ कैसे काम करेंगे लूप में वो भी डिस्कस करेंगे जब एरर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ आउटपुट शो कराना चाह रहा हूँ, 10 वैल्यूज होंगी और ये जो नंबर है ये 10 की 10 वैल्यूज में प्लस होगा, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब देखना सी और अब जो भी यूजर नंबर दे रहे हैं फिर से 40 मिनट पूरा हो जाता है, इतनी जल्दी 40 मिनट पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब ये नंबर नम एन और सर एन आई, अब ये आई क्यों है यहाँ पर, देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई दी एडिशन ये रिजल्ट आएगा, दी एडिशन ऑफ नम, नम के अंदर यूजर का इंटरव्यू किया हुआ नंबर आ जाएगा, लेट्स से यूजर का है 10, तो एडिशन ऑफ 10 एन आई, आई कौन सा नंबर होगा पीछे लूप में आगे चल रहा होगा, ठीक है, ये नहीं 10 तक जाएगा, तो जब आई 1 पर होगा तो 1, 2 पर होगा तो 2, 3 पर होगा तो 3, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। आई एस और क्या करूं num प्लस i खत्म प्रोग्राम, कंट्रोल f व्यू इन ब्राउज़र, देखना एक इनपुट किया जाएगा मुझे क्या हो गया भाई, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर
अच्छा एक मिनट रुको, एक प्रॉब्लम कर रहा है इनपुट के अंदर, देखते हैं क्या होता है। नाउ अरे अच्छा अच्छा वो ये था कि मैं एचटीएमएल का जो टैग है ना ये उसको रिमूव कर दिया था गलती से। अभी मुझसे एक नंबर इनपुट लेगा, ठीक है मैंने कन्वर्ट भी कर लिया नंबर को, लेट से मैं नंबर देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है स्पेस दे लेते हैं यहाँ पर, जो बी आर यूज़ करना है वो बी आर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे अभी। तो रन कर लेते हैं, ज़्यादा से रिव्यू कर लेते हैं। हो गया सही, अब रुक जाओ देखो अभी तो मुझे समझ में आ गया है कि इसके अंदर एरर क्या है, ठीक है बट ये एरर पढ़ते कैसे, ये एरर कैसे मिलेगा मुझे, कहाँ से मिलेगा। राइट क्लिक करो, एक्सपेक्ट पे क्लिक करो, क्लिक करो ठीक है और ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे क्या करो कंसोल में क्लिक करो, कंसोल में देखो यहाँ पे एरर ही आ रहा है, ये देखो अनकॉट कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक है अभी तुम्हें जगह बताएगा कि जी आप जो यूज कर रहे हो आर्गुमेंट लेस यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है आर्गुमेंट लेस है ये यहाँ पे, ये जो कॉन्केटिनेशन है ना ये सही से नहीं होगी, लेफ्ट साइन दोबारा प्रेस करो देखो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इनपुट आ गया ठीक है, और इनपुट के बाद क्या करोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो देखो अब क्या हुआ है, लिखा हुआ है द एडिशन ऑफ 2 इन 1 इज 2 1, अब ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है आमतौर पे इस चीज के अंदर, ये प्रॉब्लम होती है आमतौर प्रॉब्लम होती है कॉन्केटेनेशन हो रही होती है, ऐड नहीं हो रहा होता, ठीक है अब देखते हैं ये वाला मैसेज आता है अगर कि कन्वर्जन तो हो गई है, इसे ऐड होना चाहिए ही होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल अच्छा देखो होता क्या है कॉन्केटिनेशन होती है, एडिशन यहाँ पर क्या होता है, एडिशन यहाँ पर एडिशन नहीं होता, ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन हो जाती है, क्यों क्योंकि ये दो वेरिएबल है ना ये आपस में एक साथ लिखे हुए आ रहे हैं, तो क्या करो इनको कन्वर्ट कर लो पार्ट से कुछ हुआ। असल में कॉन्केटेनेशन इतनी हो रही है क्योंकि प्लस का साइन पहले भी आ रहा है इन नंबर पे और प्लस का साइन इन नंबर के बाद में भी आ रहा है, तो क्या करो ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट क्लोज किया,
एक मिनट रुको, जरा देखते हैं कन्वर्जन ही कर लेते हैं। डेटा तो कम से कम हो रहा है। स्टेटमेंट का स्पेस चेंज कर दूं। अब मुझे वेरिएबल परेशान कर रहे हैं, अभी मुझे लग रहा है कि यार ये वेरिएबल जैसे ही से काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने वेरिएबल्स को इस तरह से लिख सकता हूँ, इजी या आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ पे क्या करो अलग से, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा आई, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना प्रिंट करा था आई प्लस नंबर, तो वहाँ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे वो कॉन्केटनेट वगैरह आ रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि आई प्लस हमेशा ये ऐड होता रहेगा, बस इसका एडिशन जो है ना, एडिशन ऑफ आई, एडिशन ऑफ जो भी वट एवर मैं आपको देना चाहूंगा, हर मतलब ये एडिशन की जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं अभी कन्वर्ट करना रैम से निकल गया था। अब देखो कॉन्केटनेशन के साथ ना पता है क्या होता है, कॉन्केटनेशन के अंदर एक मसला क्या आता है कि आप क्योंकि प्लस का साइन मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, अच्छा देखो कॉन्केटनेशन के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है, वो प्रॉब्लम बेसिकली आती है
कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है। आवाज आ रही है मेरी सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? मीटिंग ही ज्वाइन। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? सही, ठीक है। हाँ, तो देखो, मैं ही कह रहा हूँ कि कॉन्केटेनेशन, अभी जो हमारी बात जो डिस्कनेक्ट हुई थी, ठीक है, तो कॉन्केटेनेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम ये प्लस का साइन यूज कर रहे होते हैं। मुझे बीच में वेरिएबल लिखना था, मैंने क्या किया, इन्वर्ट कॉमास को डिसकंटिन्यू किया और यहाँ प्लस और प्लस के साइन के दरम्यान वेरिएबल ग्राफ लिखा, ठीक है। फिर मैंने कंटिन्यू किया कि मुझे एन लिखना था, फिर मैंने डिसकंटिन्यू किया क्योंकि मुझे आई की वैल्यू देनी थी, ठीक है। फिर डिसकंटिन्यू करके कंटिन्यू किया इनवर्ट कॉमास को, फिर डिसकंटिन्यू किया, तो प्लस का साइन काफी मरतबा आ रहा था। अब जब ये एडिशन भी कर रहा था ना मैं दोनों नंबर्स का, तो जाओ ये जो डॉक्यूमेंट और ट्राई था वो क्या कर रहा था, वो इनको कॉन्केटिनेट करके लिख रहा था, वो इनको एक साथ ही लिख रहा था। क्यों इनको एक साथ क्यों लिख रहा था, क्योंकि मैं पूरे सेंटेंस में कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, पूरे स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे भी क्या कर रहा था, कॉन्केटिनेशन कर रहा था बेसिकली, ठीक है। अब हेलो, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद भी क्या होगा, जाहिर है क्योंकि अभी अगर कॉन्केटेनेशन हो रही थी, अभी जो भी मैं बात कर रहा था वो दो दो आगे दो चीजें मिलकर लिख रही थी, ठीक है। मेरी आवाज कट के आ रही है अभी? सही आ रही है ना? अच्छा, तो जब दो वैल्यूज उसमें कट कट के आ रही थी, ठीक है, यानी दो वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, दो वैल्यूज ऐड नहीं होनी थी, दो वैल्यूज क्या होनी थी, कॉन्केटिनेट होनी थी, एक दूसरे के साथ लिखी हुई आ रही थी। यानी 1 + 1 क्या लिखा हुआ रहा था, 11 लिखा हुआ रहा था, 2 + 2 22, 3 + 3 + 1 31, या 3 + 2 32, ठीक है, जो कि नहीं करना था मुझे। मैं ये चाह रहा था कि दोनों वैल्यूज एक साथ आए, दोनों वैल्यूज अलग अलग ना आए, ठीक है, और दोनों वैल्यूज ऐड होकर आए, ऐसा ना हो कि दोनों बस एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने सिंपली जो हमने लास्ट क्लास में कन्वर्ट करना सीखा था वो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इसको अलग जगह पे लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे लिखने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने तुम लोगों से कहा था मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, मैंने ये तुम लोगों से कहा था। यहाँ पे लिखने का मकसद मेरा ये था ताकि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, मैं यहाँ पे अपना वक्त जो है वो थोड़ा सा लगाऊँ, ताकि तुम लोग घर से ये प्रॉब्लम जब फेस करो ना, तो इसको समझो कि भाई यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्योंकि हम एडिशन या प्लस का साइन लगा रहे हैं, ठीक है, जाहिर से एडिशन में कहना, लेकिन हम प्लस का साइन लगा रहे हैं क्योंकि, तो जावास्क्रिप्ट समझेगी कि इन दोनों को एडिशन करते हुए भी मैं सिर्फ प्लस का साइन लगा के साथ लिखना चाह रहा हूँ, ना कि इनको ऐड करना चाह रहा हूँ। सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम? अच्छा, लास्ट क्लास अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि नंबर की कन्वर्जन सीखी थी हमने, एफ एल्स की कंडीशन पढ़ी थी, उस टाइम पे मैं कन्वर्जन सीखी थी कि अब जाहिर है जो फॉर्म का जो फंक्शन है ये तो टेक्स्ट इनपुट लेता है। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, होगा क्या कि नंबर एंटर होंगे और नंबर इस एडिशन के सिलसिले में क्या होगा, बस एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे, वो उसे एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा नंबर कंसिडर नहीं कर रहा होगा। ये पार्सेट क्या होता है, इस टेक्स्ट को, क्योंकि अब इसको पता है कि नंबर एंटर हुए हैं 1 2 3 की फॉर्म में एंटर है, इसको क्या करता है, एज अ नंबर कन्वर्ट कर देता है। जब एज अ नंबर कन्वर्ट करके मेरे पास यहाँ नंबर में आ गए, इस नंबर में आ गए, तो फिर क्या हुआ, अब आई और नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और वैल्यूज क्या होंगी, आपस में ऐड होकर रिजल्ट के अंदर आकर, और फिर वो मुझे इस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ 100, तो देखना 101 102 103 क्या हुआ, क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और कर लेता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ 23 21, तो देखना 21 23
ट्वेंटी जब 1 में ऐड हुआ तो क्या हुआ 22 हो गया, 21 जब ऐड हुआ 2 के अंदर तो क्या हुआ 23। वैल्यूज क्या हो रही है, एडिशन सही हो रहा है, कॉन्केटनेशन नहीं हो रही, बगैर वैल्यूज ऐड हो रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, कॉन्केटनेशन हो रही थी, वैल्यूज पर एक साथ लिखी जा रही थी, जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा यार। इस तरह की कंडीशन आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने ऐसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आप उस समय कुछ मैकेनिज्म देना चाह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। क्लाइंट आपसे कह सकता है कि भाई आप वेबसाइट के अंदर इस तरह की कंडीशन है, तो इस तरह कोई जो प्रॉब्लम है, आप चाइल्ड बच्चों के लिए वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, आप टेबल्स बना सकते हो। अरे भाई ये तो एग्जांपल है, मैं तो वैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग के साथ काम कैसे करोगे, ये तो एग्जांपल है, तुम इसको चेंज कर सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्केटनेशन जब तुम कर रहे होगे तो दो वैल्यू ऐड नहीं होंगे, ठीक है, उनको तुम्हें अलग से रखना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि लूप के साथ तुम किसी एक अलग से वैल्यू को ऐड कैसे कराओगे, ठीक है, वो वैल्यू वेरी करती जाएगी आपस बाद। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो डायरेक्ट सिंपल जो प्रॉम्प्ट होता है उसके भी हो जाएंगे। दो तुमने वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2, और उनकी वैल्यूज तुमने किसके अंदर ले ली, वो वेरिएबल के अंदर ले ली, जो वेरिएबल बना दो उनकी वैल्यू वेरिएबल वेरिएबल में ले लो प्रॉम्प्ट के जरिए, ठीक है, और उनको ऐड कर दो पीछे और रिजल्ट यूजर को शो कर दो, जिस तरह भी तुम चाहो। मतलब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं कोई, सब लोग एक मरतबा दोबारा बता दें, देख लें अच्छी तरह से कोर्स को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ऐसे ही न्यूमन मैंने इस चीज से मिल गया, देखो चलो न्यूमन मैंने इस चीज से मिल गया क्योंकि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर मेरी दो वैल्यूज ऐड नहीं हो पा रही, एक साथ लिखी जा रही है ऐड नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए उनको यहाँ रखा और उनके जो रिजल्ट है ना वो मैंने न्यू वन के अंदर रख दिया, यानी दो वैल्यूज ऐड होकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो न्यू वन में रखा हुआ है, और मैंने नीचे डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर इसको प्रिंट करवा दिया, इसलिए यूज किया मैंने। रिजल्ट शो करा सकते हैं, ये लो इसको ऐसे एक साइड पे रखो, पिक्चर लेनी है, स्नैपशॉट लेना है, जो भी करना है कर लो, देख लो कोड को अच्छी तरह, सब लोग एक साइड पे रिजल्ट ओपन किया, एक साइड पे उसका कोड ओपन किया। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पाइथन यार ज्यादा नहीं पढ़ी मैंने, शुरू में पढ़ी थी, फिर शौक जो है वो मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, मैं डॉट नेट की तरफ आ गया, सी शार्प का ज्यादा इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो गया। शार्प की यार इंडस्ट्री के अंदर जो इंटरप्राइज पाइथन की डिमांड है, काफ़ी डिमांड है। असल में पाइथन है अभी नई नई लैंग्वेज है, यानी नई नई लैंग्वेज का मतलब यह है कि अभी उसका जो एक हाइप है ना वो अभी चल रही है नई नई, ठीक है, लेकिन शार्प का सीन ये है, डॉट नेट का सीन ये है कि ये बड़ी बड़ी जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है ना उसमें यूज़ होती होती है, यानी अगर शार्प की डॉट नेट की जॉब होती है तो कोई हल्की जॉब नहीं होती। अगर मैं फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा है कि मैं कोई अलग काम नहीं करता। यार आजकल पाइथन चल रही है, आजकल पाइथन चल रही है, सी शार्प, फिर डॉट नेट अगर कहो
ये वैसे नहीं चल रही, लेकिन इंडस्ट्री में डेफिनेट चलेगी आपके। पाकिस्तान में अंदर पे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, पाकिस्तान में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, PHP के अंदर आपको लैरावेल के ऊपर अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। PHP अच्छी मिल जा रहा है, यानी बाकायदा आप इंजॉय करोगे PHP को। बहुत आसान सिंटेक्स है उसका, ईजी है, जावास्क्रिप्ट से थोड़ा थोड़ा मिलता है उसका, एक होगा सिंटेक्स है। क्या चीज़? पाइथन 3 months के अंदर हो? यह PHP भी है, वर्डपैन भी है। एक मिनट आना है इधर इधर यार। वर्डप्रेस जो है ना, वो HTML बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, हम यही समझ लो कि क्या कह सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली। लेकिन अब ये क्या करते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना रहता है, ई कॉमर्स की हो गई, आपकी पोर्टफोलियो हो गया, पर्सनल प्रोफाइल टाइप की वेबसाइट हो गई, अब ये उस तरह की वेबसाइट भी बना लेते हैं, और बाकायदा लोग इसके ऊपर वेबसाइट काम कर रहे हैं। यार फर्स्ट सेमेस्टर में अभी फिलहाल सिर्फ एक वर्कशॉप है, 1 क्लास की, 2 क्लास की, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हेल्प थोड़ी देर में थोड़ा सा, हाँ थोड़ी 4-5 क्लासेस में या तक डिटेल में उसको पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस का यूज़ जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा समय समझ में आएगा, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लिनक्स लिनक्स आया नहीं है, पुराना काफ़ी है, पुराना काफ़ी है, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई, कौन सा मोबाइल बोल रहा था? देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? हेलो, ये क्या लिखा हुआ है जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड। अच्छा, शोर हो रहा है मेरी तरफ, पूछ रहा हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा खैर, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो नोटपैड में मैंने कुछ बनाया, ये 2 × 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 × 2 हो जाएगा। ये लूप चलेगा ऐसे ही, कहाँ तक? ये वैल्यू तुम यूजर से लोगे, यानी अब क्या होगा, इस वक्त क्या होता होगा, ये जो आई की, ये जो 10 है, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम आएगा, और वेरिएबल की वैल्यू किससे लोगे तुम, किससे लोगे? यूजर से। ठीक है, यूजर ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे क्या होना है, और वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसको इंट और पॉइंट से कंटिन्यू कन्वर्ट कर देना, ताकि जो कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा वेरिएबल है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अब तुम्हें कॉन्कैटनेशन के थ्रू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन के लिए एक्स यूज कर लेना, बाकी ये दोनों वेरिएबल जो है इनको तुम कैसे करोगे, जैसे ये आई, अब ये आई तो सेम रहेगा। ठीक है, एक नंबर तुम यहाँ पे यूजर से और लोगे, जिसको आपको टेबल चाहिए, जैसे फर्ज करो तुम यूजर से पूछोगे कि आपको कौन सी जगह टेबल चाहिए। ठीक है, तो तुम एंटर करवाओगे 2, और 2 यहाँ रखवाओगे, जैसे कोई कोई भी नंबर है, इस नंबर के नाम का वेरिएबल है, ये नंबर का वेरिएबल यहाँ पर आया नंबर, ये कॉन्कैटनेशन हो गई, ये पूरा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नंबर ऐसे
एक प्लस के साइड में, मतलब ब्रैकेट के बाद स्टार्ट करोगे तो ये प्लस के साइन ही आएगा, बस नंबर और प्लस इनवर्टेड कॉमा इसमें एक्स आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई का साइन कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से क्या आई जो कि बार बार चेंज हो रहा है, यानी टू मल्टीप्लाई बाय वन, फिर इक्वल टू का साइन ऐसे ही इसमें लोगे इनवर्टेड कॉमा के अंदर प्लस का साइन, और फिर क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी आई कैरिक नम या जो भी तुम नंबर ले लोगे। मैं ये कह रहा हूँ मैंने आपने क्या करना है टेबल बनाना है, कैसा टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना है यानी जो हम टेबल आमतौर पर पढ़ रहे होते हैं बचपन से जो हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे टू इंटू वन इक्वल टू टू, टू इंटू टू इक्वल टू फोर, ठीक है। टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, ठीक है। टू इंटू फोर क्या होगा एट आ जाएगा, इस तरह का काम आपने करना है, ठीक है। और ये कॉन्केटनेशन के थ्रू होगा, लूप तो नॉर्मल चलेगा ही, दस से टेन तक चला दें या इसका इनपुट भी यूज से ले लें। अब कौन सा टेबल यूज किए हुए हैं, यानी टू का टेबल होगा, थ्री का टेबल होगा, इसका इनपुट भी यूजर से लेंगे, और कहाँ तक जाएगा वो टेबल, जैसे टेन पे एंड हो रहा है, ट्वेल्व पे एंड हो रहा है, थर्टीन पे, वन ट्वेंटी पे, थ्री थाउजेंड पे, ये यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम आएगा, इस वेरिएबल में आप यूजर का इनपुट ले चुके होंगे पहले से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, किस चीज़ का टेबल बनाना है, यानी टू, अगर टू का टेबल बनाना है तो क्या करोगे, वो वाली वैल्यू भी आप यूजर का इनपुट लोगे, ठीक है। और फिर एट दी एंड क्या करोगे, जो वैल्यू आपने यूजर का इनपुट दिया, लेट्स से नम आपने वैल्यू दी जिसका टेबल आपने बनाना है, यानी टू का टेबल, तो टू डायरेक्टली वाला जो काम करेंगे ना, ये जो काम है ये यहाँ पे नहीं करना, अब यहाँ पे करके ट्राई करना, ठीक है। कैरिक नम इज इक्वल नम कैरिक और आई, तो क्या होगा, टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री वाला जो काम है ना, वो इक्वल टू के बाद जो काम है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब ये इस इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू आपने स्ट्रक्चर बनाना है, मल्टीप्लाई का साइन कैसे आएगा, मल्टीप्लाई के साइन की जगह एक्स लगा की जगह इक्वल टू का सब साइन कीबोर्ड पर होता ही है, ठीक है। अब आपने ऐसे कॉन्केटेशन के थ्रू जो है ना ये काम करना है, ठीक है। और ये काम आपने करना है आज कल में, चले कल तक का टाइम इस काम के लिए दूंगा। और दो क्वेश्चन है आज, एक और क्वेश्चन भी है, मैं दोनों की स्टेटमेंट लिखूंगा अभी क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा। और एक और स्टेटमेंट है, आपने क्या करना है, वन से लेकर टेन तक के क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं लूप के थ्रू, ठीक है। अब आप लोग इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो टेबल प्रिंट करने में भी और क्यूब फाइंड करने में भी, कोई शायद नहीं है, ठीक है। जो चाहे इंटरनेट के बाद लेने कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल इजाजत करूँ, और मैं बस उस सूरत में आपके नंबर कट करूँगा अगर मुझे लगेगा कि जैसे आपने पूरा पूरा ही कॉपी पेस्ट किया है, अगर मुझे लगेगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन उतना कॉपी पेस्ट किया जितना मैंने पढ़ाया है और जितना आप जस्टिफाई कर सकते हो, मुझे सबके बारे में पता है कि कौन कितना जस्टिफाई कर सकता है, मुझे जो जितना जस्टिफाई कर सकता है कि सर मैंने ये किया था, मुझे समझा सकता है कि सर मैंने ये इतना ऐसे किया था, वो कॉपी पेस्ट उतना करे, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ा है उसमें से अगर इंटरनेट से भी निकालना है ना, तो ये कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं बाकी आप लोगों के, भाई आपने ये जो वैल्यू है ना, ये जो जो वन से लेकर टेन तक अलग अलग जाएंगे, ये तो आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई के लिए करनी है, यानी टू का टेबल टू जो है ना वो अलग रहेगा, ठीक है। ये भाई यहाँ पे देखें, ये 21 तो सब में सेम है ना, जो नम में आ रहा है 21 सब में सेम है, चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 चेंज हो रहा है जो कि आई की वैल्यू थी, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे क्या चेंज करनी है, आई वैल्यू चेंज करनी है, जी वेबसाइट बना दी, राज फाइल बनाओ और जहाँ पे मैंने असाइनमेंट अपलोड किया हुआ है ना क्लासरूम पे, वहाँ पे सबमिट कर दो, उस फोल्डर की राज फाइल बनाओ और सबमिट कर दो वहाँ पे, तो वहाँ पे सही है कि जिसने अभी तक सबमिट नहीं भी किया वो भी वहाँ पे सबमिट कर दे, ठीक है। यहाँ से प्रॉब्लम है तो बताए कोई,
एक मिनट विनेश, देखे मेरी बात समझे। यहाँ पे सीन ये है, ये जो नम वन लिखा हुआ है ना, ये जो न्यू वन लिखा हुआ है, ये रिजल्ट है। ये जो आई है ना, ये चेंज हो रहा है। ये जो नम है ना, नम ये 21 है। सारी स्टेटमेंट्स के अंदर ये नम ए की 21 ये प्रिंट हो रहा है। तो आप जो बात कर रही है ना कि टू तो चेंज हो जाएगा, जाहिर है मल्टीप्लिकेशन के अंदर टू कुछ और हो जाएगा, तो कॉन्केटेनेशन के अंदर जो एक मतलब आपने टू प्रिंट करना है ना यहाँ पे, ये चेंज नहीं होगा। ये जो होगा ना, ये चेंज होगा हर जगह, क्यों चेंज होगा? क्योंकि पहले ये टू वन से मल्टीप्लाई हुआ था। अरे यार सिंपल है ना, इसको क्या करना है, जो मैंने काम करा है ये देखें, अभी 21 ऐड हो रहा था वन में, टू ऐड हो रहा है वन में, लेट से आप अगर 21 कर दो, ये 21 ऐड हो रहा है टू में, यहाँ पे 21 लेट से मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, काम तकरीबन सेम है, बस थोड़ी सी लॉजिक या थोड़े से काम जो है ना वो डिफरेंट है, और थोड़ा सा अंदाज काम करने का डिफरेंट होगा। ठीक है, सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ मैं। और फिलहाल हाँ बोलो, बस मसला ये है कि अभी यूजर इनपुट के थ्रू आएगा, वो दोनों तुम्हें प्रिंट नहीं करना, वो पूरा तुम्हें तो पूरा पूरा टेबल प्रिंट करना है, वो यूजर इनपुट लेगा। हाँ यूजर इनपुट से लोगे तो भाई, अब जब यूजर इनपुट देगा तो फिर वो यूजर की मर्जी है, कुछ भी दे दे। हाँ बेसिक टेबल की लिमिट भी दे सकता है यूजर, कहीं तक यूजर 2000 दे सकता है, तो 2000 तक लिमिट प्रिंट भी हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, जावास्क्रिप्ट को इतनी मेहनत तो आती है। सही है, जावास्क्रिप्ट को तो आती है ना, इस पे छोड़ देता हूँ। सही है, इतना फिलहाल हम ऐसा करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं।